हेलो एवरीवन, तो आप सबका तो स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। तो आज के 10 डेली यूजर इंग्लिश वर्ड। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरी शादी फिक्स हो गई। क्या है? मेरी शादी फिक्स हो गई। तो आपके पास सबसे 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। तो इसका जवाब है माई मैरिज इज फिक्स्ड या फिर माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। तो अब हमारा दूसरा सवाल है, शादी कब करोगे। क्या है? शादी कब करोगे। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है व्हेन विल यू गेट मैरिड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 या 2 साल में करूंगी। क्या है? 1 या 2 साल में करूंगी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। तो इसका जवाब है इन ए ईयर और टू। क्या है? इन ए ईयर और टू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 साल में करूंगी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है इन ए ईयर और सो। क्या है? इन ए ईयर और सो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं 1 महीने में आऊँगा। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो अगर उत्तर पता है तो कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है आई विल कम इन ए मंथ और सो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो 1 हफ्ते में जाएगा। क्या है? वो 1 हफ्ते में जाएगा। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है ही विल गो इन ए वीक और सो। क्या है? ही विल गो इन ए वीक और सो। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, आज मम्मा बता रही थी मेरे लिए एक रिश्ता आया है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो उत्तर पता है तो कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है मॉम वाज टेलिंग मी टुडे देयर इज ए मैरिड प्रपोजल फॉर मी। तो आप लोग इसको ये भी बोल सकते हैं या फिर एक दूसरा भी है, मॉम वाज टेलिंग मी टुडे टू हैव रिसीव्ड ए मैरिज प्रपोजल फॉर मी। तो हम इन दोनों को प्रयोग कर सकते हैं इस सेंटेंस के लिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कैसा रिश्ता देख रहे हो। क्या है? कैसा रिश्ता देख रहे हो। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो अगर उत्तर पता है तो कमेंट में फटाफट से बताएं। तो इसका उत्तर है व्हाट काइंड ऑफ फैमिली आर यू लुकिंग फॉर। क्या है? What kind of family are you looking for? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो गवर्नमेंट जॉब पर होना चाहिए, अच्छी फैमिली से हो और हैंडसम हो। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो अगर उत्तर पता है तो कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है ही मस्ट बी इन ए गवर्नमेंट सर्विस From a reputed family and handsome too. क्या है? He must be in a government service from a reputed family and handsome too. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या है? मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। क्या है? आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। तो ये थे आज का हमारे 10 डेली यूजेज इंग्लिश वर्ड। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन के आंसर पता है। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।